स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं बताने वाला हूं बेटा कि जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर आने वाला है जुलाई में, उसमें इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करने हैं। तो इस वीडियो को याद से देख लेना, एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकाउंट्स की भी बताऊंगा मैं और बिजनेस की भी बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को मालूम है कि इकोनॉमिक्स आपकी जो पिछली साल थी, जो अभी गई है, उसमें आपको माइक्रो मैक्रो के पार्ट थे, और जो कि आने वाली 12th में आपकी माइक्रो हटा के डेवलपमेंट लगा दी गई है। तो इसलिए जो भी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक पूछा जाएगा। पीपीसी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, पीपीसी आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, आपसे एक या दो केस स्टडी आएगी उसके ऊपर, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ किसकी बात हो रही है, या रिसोर्सेज कम हो गए तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेक्निक अपडेट या आउटडेट हो तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो वो। उसके बाद एक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की मदद से बताइए, ये अच्छे से पढ़ लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि जो दो इक्वेशन है, वन कम्युनिटी और टू कम्युनिटी, उसको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बेटा आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना। डिमांड में आपका डिटर्मिनेंट जितने हैं वो, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, इसमें जो डिफरेंस है वो याद से पढ़ लेना बेटा। उसके बाद प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये जो खर्चे में आता है वो अच्छे से पढ़ लेना। प्रोडक्शन फंक्शन में वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग, नेगेटिव, ये अच्छे से पढ़ लेना बेटा। यूटिलिटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अब बात करें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स याद से पढ़ लेना बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बीओपी, ये अच्छे से पढ़ लेना। फीचर्स ऑफ जो आपको मार्केट वाला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो तीनों चारों मार्केट के फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना, परफेक्ट के, मोनोपोलिस्टिक के, मोनोपोली के। रेवेन्यू कर्व अच्छे से पढ़ लेना, इस मार्केट का रेवेन्यू कर्व क्या होता है, उस मार्केट का रेवेन्यू कर्व क्या होता है, उस मार्केट का रेवेन्यू कर्व क्या होता है। उसके बाद फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, इन सब के आपस के डिफरेंस पढ़ लेना ये अच्छे से। उसके बाद नेशनल इनकम का जो आपका सेकेंड और थर्ड मेथड है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसको अच्छे से देख लेना। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलता है, इसको अच्छे से देख लेना। हो सकता है पहले आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस निकलवाए उसके बाद नेशनल इनकम निकलवाए, ठीक है ना। मनी एंड बैंकिंग में मनी के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस, ये अच्छे से पढ़ लेना। सीआरआर, एसएलआर, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हो तो आई होप आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो बेटा मुझे आपसे पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन कहीं नोट डाउन कर लेना, इन पे अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे बढ़ाना, जिन बच्चों के कंपार्टमेंट के एग्जाम है, जिनके नहीं भी हैं उनको भी कहना कि शेयर करें, ताकि जो हेल्पफुल उनको हेल्प हो जाए बच्चों को आगे भी। थैंक यू सो मच कॉमर्स गुरु जी।